भाई बर्तन तो मिल गए, आज का जुगाड़ हो गया यहाँ पे। और मेरे बैग में अंडे हैं, तो आज शायद मैं सरवाइव कर लूंगा यहाँ पे। बस मुझे पानी की जरूरत पड़ेगी। ये है पूरा, ये काफी गर्म रखता है, जब हम इसको नीचे बिछा के सोते हैं तो काफी गर्मी ये देता है। दोस्तों मुझे आज जाना था गोविंद साहब का दर्शन करने, लेकिन मैं आज रास्ता भटक गया हूँ। आ गया हूँ एक ऐसे गांव में, यहाँ पे देख पा रहे हैं सड़कें हैं, जो मड़े उड़े दिख रही होगी उसके उस साइड है गांव। तो मैं इस गांव के करीब पहुँच चुका हूँ। मेरा रहने का कोई बंदोबस्त यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, मुझे बस वो छोटी सी कुटिया नज़र आ रही है, वो मड़े छोटी सी। सोच रहा हूँ आज यहीं पर स्टे करता हूँ, तो चलता हूँ देखता हूँ पहले वहाँ पर क्या क्या मिल सकता है। उसके बाद मेरे पास कुछ सामान है, अंडे हैं, तो हो सके मैं वहाँ पे बना के कुछ सरवाइव कर सकूँ आज रात के लिए। तो फिलहाल यार बहुत गड़बड़ हो चुका है, चलो चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं इस झोपड़ी के पास, जहाँ आज मेरा रात का गुजारा होगा। तो चलते हैं अब सीधा पहले झोपड़ी के पास और देखते हैं क्या क्या चीज़ें मुझे मिल जाती आज की सरवाइव करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों ये है झोपड़ी जहाँ आज मैं सरवाइव करूँगा। काफ़ी अच्छी है, ऊपर से ये पन्नी डाला हुआ है तो चूने का खतरा कम है। और ये है मड़ई, इसे गांव में हम मड़ई कहते हैं। काफ़ी अच्छी लुक है, जिन्होंने बनाया होगा उसका बहुत बहुत धन्यवाद भाई आज के रुकने के लिए। और यहाँ पे चूल्हा भी है, वाह। और सरप्राइज़ में ये क्या है गाइस, आप पहचानो और मुझे बताना क्या है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं और इसमें ये बोरा भी है, इसके अंदर क्या है मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। और बाकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी माचिस वाचिस, तो माचिस शायद यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे माचिस भी है, तो आग जलाने का भी टेंशन ख़त्म। तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, बोरे में देखता हूँ क्या है। आवाज़ से तो लग रहा है बर्तन है भाई, बर्तन तो मिल गए, आज का जुगाड़ हो गया यहाँ पे। और मेरे बैग में अंडे हैं, तो आज शायद मैं सरवाइव कर लूँगा यहाँ पे। बस मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी वहाँ पे जहाँ मैं रुका था, मैं आपको चल के दिखा देता हूँ, वहाँ पे पानी भी है। तो हो सके आज वहाँ पर चलता हूँ, ये बर्तन धोता हूँ और वहाँ पर सारी चीज़ें करता हूँ। तो भाई पानी का बंदोबस्त हो गया, यहाँ पर पानी मिल गया है। ऐसा लग रहा है कि ये जो टेबल है खेत भरने के काम आता है, इसे आज ही चालू किया गया होगा, ऑलमोस्ट एक दो घंटे पहले चालू किया होगा, इसलिए यहाँ पे पानी है। तो आज मैं इसे यहाँ पे बर्तन बर्तन धोता हूँ और फिर चलता हूँ। दोस्तों जो पानी है ना वो गर्म है, इससे पता चलता है कि ये ठंडी का मौसम है, पूरा मौसम ठंडा है लेकिन पानी जो है ना गरम गरम है, इसमें ठंड हाथ डालने से महसूस हो रहा है। इसका मतलब ये ट्यूबवेल जो पानी चालू हुआ था वो जल्द ही चालू किया गया था। तो दोस्तों ये झाड़ू है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, पहले साफ करेंगे उसके बाद काम करेंगे। तो पहले चलते साफ सफाई कर लेते हैं अंदर। आज मैं कुछ अलग टेक्निक से बनाने वाला हूँ अंडा, तो चलो प्रोसेस को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे पास जितनी सुविधाएं हैं उसी सुविधाओं में मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। मेरे पास ये थैली है कुछ,
ये काला नमक है, नमक तो है नहीं, ये यहाँ पे मड़ई है जिसे कहते हैं, इसे में लगा हुआ मिला था। जैसे कि माचिस मैंने आपको दिखाया था शुरू में, वैसे नमक भी लगा हुआ मिल गया था। तो भाई अंडे हैं, मैं क्या करने वाला हूँ, अंडे को फोड़ के सारे अंडे इस थैले में डालूंगा, इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगा, और फिर मैंने पानी लेके आया था उस भगोने में, मतलब उसको यहाँ के भाषा में उसको बदेली बोलते हैं, उस टाइप का। तो उसमें पानी है, माचिस मिल गया है, और जो लकड़ियाँ हैं यहाँ पर रखी हुई हैं। तो चलो चलते हैं, इन अंडों को फोड़ के इस थैली में डालते हैं, नमक डालते हैं और उबालने का प्रोसेस शुरू करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसे अच्छी जगह रखना पड़ेगा मुझे, तो ये जो थैली खाली होगी इसी के अंदर रखूंगा। अंडे फूट चुके हैं, इसमें थोड़ा डालते हैं स्वादानुसार नमक, थोड़ी डालते ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हम और बनाएंगे तो उसमें भी डालेंगे नमक, तो इसमें बस हल्का सा डालते हैं। नमक डाल दिया, अब इसको इस पोटली को हम कर देंगे, बांध दे देंगे पूरी तरीके से। तो इसे बांध दे देते हैं, ये हमने बांध दे दी, और बांधने के बाद इसे क्या करना, पूरी मिक्स करना अच्छे तरीके से। तो अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो भाई आग जल नहीं रही थी, तो उसका बंदोबस्त मैं करने जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कैसे कर रहा हूँ। ये गाड़ी में है पेट्रोल, पेट्रोल बहुत तेज़ी से जलता है, तो मैं इस पे थोड़ा सा पेट्रोल गिराऊंगा और फिर जाके इसे माचिस से जलाऊंगा, तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो भाई लाइटिंग का यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अगल बगल कुछ नहीं है, तो मेरे गाड़ी में लाइट है, आज उसके फ़ायदा उठाएंगे, तो आपको दिखाते लाइट कितनी अच्छी जलती है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कितनी बेहतरीन लाइट है, इससे आज मेरा यहाँ का गुजारा हो जाएगा। दोस्तों अंडा उबलने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया है। दोस्तों चीज काफी अच्छी बनी थी, मुझे उम्मीद नहीं था कितना अच्छा बन जाएगा, और पेट भी भर गया, बहुत मजा आया। आप देख पा रहे हैं मुंह से भाप निकल रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है भाई, इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितनी ज्यादा ठंड है। तो इस ठंड में अब मुझे सर्वाइव करना है, तो चलता हूँ देखता हूँ क्या क्या है यहाँ पे सोने के लिए, और कुछ सोने का बंदोबस्त करता हूँ अपने तरफ से, यहाँ पे जो चीज़ें हैं उन्हें में मुझे सर्वाइव करना है। तो चलो चलते हैं भाई, ये है पूरा, ये काफ़ी गर्म रखता है, जब हम इसको नीचे बिछा के सोते हैं तो काफ़ी गर्मी ये देता है, तो इसको हम लेके चलेंगे बिछाने के लिए, हमारे पास यही चारा है, तो यहाँ से कुछ पूरा ले लेते हैं और इसे लेके चलते हैं। यहाँ से ये मड़ई का सीन है, तो इससे क्या हुआ, हवा नहीं आएगा, जिसकी वजह से ठंड काफ़ी कम लगेगी। और यहाँ पे मैंने गाड़ी भी अंदर कर लिया है छपरे के नीचे, वहाँ पे ओस बहुत ज़्यादा पड़ता है इसके लिए। तो अब सोने का बंदोबस्त करते हैं, अपने पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक ये है, देखते हैं। तो भाई पूरा बिछा लिया है, इसका यूज़ मैं अपने बैग का यूज़ तकिए के लिए करूँगा, और सोच रहा हूँ कुछ अगर बिछाने के लिए मिल जाता, मैंने यहीं कहीं कपड़ा खोसा हुआ देखा था, ये रहा, ये रहा भाई वो कपड़ा, इसको मैं बिछा लेता हूँ, देखता हूँ, काफी बड़ा तो लग रहा है।
दोस्तों ये काफी पतला, इसे ठंड तो जाने वाली है नहीं, लेकिन काम चलाऊ है तो इसको ओढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए मैं इसे बिछा रहा हूँ। सोने की बारी आ चुकी है तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। लेकिन आप भी जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो कृपया करके घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब अपने ऊपर आप रखेंगे तभी आप ऐसे प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, यहाँ से अगल बगल जानवर भी हैं, गन्ने का खेत है, सियार है, वहाँ से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी जब मैं अपना खाना बना रहा था। अभी फ़िलहाल देखिए उल्लू की आवाज़ आ रही है, आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा, वो चुप हो गया है। तो फिलहाल अब बातें नहीं करते, अब सोने का समय हो गया है तो मैं चलता हूँ सोने। आप भी अपना ध्यान रखिए, अगर वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दबा के सब्सक्राइब करना। चलो चलते हैं सोने, गुड नाइट, बाय बाय।